हाँ तो आगे तुम लोग, तुम मिले इनसे। इनका नाम है साइमन और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है साइमन सेज, जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत ही ज्यादा, और इस बात को ये खुद भी कहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम साइमन सेज एंड आई एम द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ इंडिया। अब मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि ये और इनका चैनल इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों है, तब तक तुम इनसे मिलो। इनका नाम तो तुम जानते ही होगे और जानोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के जमाने में लोग हीरो को नहीं बल्कि विलेन को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही वो दूसरों की माँ बहन के साथ साथ भाई बाप भी एक करता हो। और अगर सही मायने में तुमको बताऊं तो ये एक यूट्यूब के गुंडे हैं। अगर कोई इनसे पंगा लेता है या फिर लेने की कोशिश करता है तो ये कहते हैं अरे दिखना चाहिए हरियाणा में। हाँ, ये यही धमकी देते हैं लोगों को, क्योंकि हरियाणा मोदी जी ने इनको दान में दिया है ना। अबे साले। और मुझे पता है कि तुम लोगों से बहुत लोग मुझसे कहना चाह रहे होगे कि भाई तू कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बताना। हाँ बताता हूँ, रुको जरा, सबर चाटो और सुनो। तो भाई हाल ही में हमारे साइमन भैया ने एक वीडियो अपलोड की 20 मिनट की, जिसमें इन्होंने एलिस यादव की अच्छे से ले ली थी, मतलब अच्छे से रोस्ट करी थी। अरे मतलब माहिर। और हाँ, आपने साइमन भैया की इस वीडियो को देखकर मैं भी बहुत खुश था, लेकिन मेरी भी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली जब तक मेरी नजर इस वीडियो के डिसलाइक बटन पर नहीं पड़ी। हालांकि इस वीडियो पर लाइक्स भी बहुत थे, पर इतने डिसलाइक देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। और हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि अगर इतने हजार डिसलाइक मेरे वीडियो पे आ गए तो मेरी तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी, पर एज यूजुअल ऐसा हो ही नहीं सकता। देख रहे हो, देख रहे हो ना स्ट्रेटजी, देख रहे हो। तो ये वीडियो इन्हीं चूतिया लोगों के लिए जो किसी भी यूट्यूबर को अपना भगवान या फिर अपना टट्टा समझ लेते हैं। तो चलो एलिस यादव की ह्यूमर की गांड मारते हैं और शुरू करते हैं अपने मजदूरी बिना किसी लोडू के। पिछले साल एलिस यादव ने एक सेकंड चैनल खोला, एलिस यादव व्लॉग्स, जिसपे वो व्लॉगिंग करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग हो गया, ट्रैवल व्लॉगिंग हो गया, फैमिली व्लॉगिंग हो गया, बट व्हाट आई लाइक अबाउट एलिस यादव व्लॉग्स इज दैट उसने एक नया टाइप का व्लॉगिंग मार्केट में लाया है, चूतिया व्लॉगिंग। नहीं मतलब मैं उसके व्लॉगिंग को चूतिया नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने व्लॉग्स में दूसरों को चूतिया बोलते हैं, दैट इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ व्लॉगिंग ही हैज इन्वेंटेड। ओके, जहां तक मुझे बताया है यहाँ पे साइमन भैया एलिस यादव को चूतिया नहीं बल्कि लोडू बोल रहे हैं। लोडू साला, क्योंकि कौन ऐसा चूतिया बंदा है जो अपने चैनल का नाम ब्लॉग रख के रोस्ट करता है भाई। और चलो करते भी हो तो ऐसे कौन रोस्ट करता है। चूती हो तुम, पहले तो मेरे को तो एक चीज बता, तू बहन चो बचपन से चूतिया है या फिर तुम सारे कोर्स वोर्स कर रहा है चूतिया बनती का है बहन चो। क्या तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें चूतिया समझ रहा, पर ये हमें चूते को समझ रहा है, ये भाई खुद चूतिया है, ठीक है। इसका आंसर है कि ये चूतिया भाई, आजकल के लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा जाते हैं। और भाई ऑनेस्टली क्या बताऊं तुझे कि तू चूतिया है। हाँ जी, इसे कहते हैं रोस्ट, ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई लाइन, खुद को झाट नहीं बताया कि क्या बोलना है, पर फफूंदी के चले हैं रोस्ट करने। अरे भाई तुम वीडियो बनाते हो अपने मेन चैनल पे तो वही बनाओ ना, क्यों पड़ी हुई लकड़ी अंदर ले रहे हो। जिसको आप रोस्ट कहते हो ना वो रोस्ट नहीं होता, उसको कहते हैं सिर्फ बोलना और सामने वाले को टारगेट करना। और मजे की बात जानते हो क्या है कि कभी कभी इनके बातों को सुनकर लगता है ये खुद का रोस्ट कर रहे हैं। चूतिया हो तुम, पहले तो मेरे को तो एक चीज बता, तू बहन चो बचपन से चूतिया है या फिर तुम सारे कोर्स वोर्स कर रहा है चूतिया बनती का है। भाई सो भी अंसारी पे कमेंट, मेरी बुआ की लड़की लग रही है। अब वो जो भी पहन रही हो जो भी कर रही हो हमें क्या लेना देना, अगर उसके घर वालों को दिक्कत नहीं है तो हम कौन है भाई उस पे कमेंट करने वाले यार, है बताओ। अब देखो, अब बात करते हैं, हमने सोफी अंसारी की बात करते हैं, सोफी अंसारी पे मैं करूंगा कमेंट। अभी मजा आएगा ना वीडियो, पहले डिसाइड कर लो कि आपको कमेंट करना है कि नहीं करना है। हाँ वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, पहले कहते हो मैं वो चीज करूंगा ही नहीं और लोगों को बताते हो वो चीज करना गलत है और फिर लास्ट में खुद ही हक देते हो, बहुत तकलीफ होती है। मतलब कम से कम अपने मुंह का तो बात रखो भाई, साला मुंह है या गांड जो फट से हक देते हो। नहीं भाई, इनसे अच्छे अच्छे रोस्टर बड़े इंडिया में, कभी टाइम निकाल के इनको भी देखा करो, कम से कम उनको देखकर तुमको हंसी आ जाएगी। पर इनमें क्या रखा है, ऐसे रोस्ट तो हर कोई कर सकता है, बस कैमरा ऑन करना है, लैपटॉप लेके बैठ जाना है और अपने मुंह से हकना स्टार्ट कर देना है, बस बन गया रोस्ट। ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या चल। बहन ये क्या कर रही है यार, देखो मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, हम लोग सिर्फ एक सेकंड का क्लिप दिखाकर किसी पर कमेंट पास करने वाले हैं। ओके नाइस, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी ऑडियंस है ना, देखो आपकी ऑडियंस कौन है, ये बहन के लोड़े दल्ले बैठे हैं कई, ये सारे सुबह जिनकी सुबह भी ठरक से होती है रात भी ठरक से होती है, ऐसे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा कॉन्टेंट बनाओ। अच्छा तो ये बात तो आप पे भी लागू होता है, मतलब आपके एक चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और दूसरे पर 2 मिलियन, पर फिर भी आपका कॉन्टेंट। अरे भाई शर्म नाम की भी कोई चीज होती है, साला आपसे अच्छा कंटेंट तो 3000 वाले यूट्यूबर्स भी बना लेते हैं। हाँ बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनसे अच्छा वीडियो तो मैं बनाता हूँ। भोसड़ी के मदर चोद बहन के लोड़े। ये एलविश का लेकिन मानना पड़ेगा, वो स्लम वालों के ऊपर जोक्स मारता है, पंक्चर वालों के ऊपर जोक्स मारता है, मजदूरों के ऊपर जोक्स मारता है। I think he loves poor people. क्या नाम है इसका यार, समझ रिजवान खान है सकता, भैंचो एकदम हीरो जैसा नाम है।
पर शक्ल तेरी पंचर वालों जैसी है यार। इसके जो और पंचर वाले दोस्त है, क्या नाम उसका, दिलजान सैयद, नाम भी बहन जो नाम भी, मेरा मुंह गंदा हो गया, बोल दिया ना मेरा मुंह गंदा हो गया। और मैंने भाई इनके अगेंस्ट में एक वो चला दिया हैशटैग मार्क भाई पंचर वाला, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा भाई, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इधर इधर आ गया होगा कि भाई जब से जियो आया तब से मजदूर चौक पे खड़े होने वाले लेबर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे डीएम फॉर पेड कोलैबोरेशन। ये किसी गली मोहल्ले में क्या तो पंचर लगा रहे होते या फिर कचोरी बेच रहे होते, मैं समझ गए तुम लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब तो तुम जनता लोग समझ ही गए होगे कि इसे रोस्ट करना नहीं आता, और रोस्ट क्या, इस चूतियों को बोलना भी नहीं आता, मतलब कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है इसको तो वो भी नहीं पता भाई। और एक तो इसके चाटने वाले लोग, एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ छिनकलेंगे। अरे भाई अच्छे और बुरे लोगों में फर्क समझो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम बुरे लोगों को अपने सिर पे बैठा लोगे और अच्छे लोगों को लंड पे। मतलब सीरियसली मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी है जिसमें ये पंचर वाला लेबर और मजदूरों का मजाक उड़ाता है। मतलब साला इतना बड़ा यूट्यूबर इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है भाई। मैं भी मजदूर हूं, मैं भी मजदूरी करता हूं तुम्हारे लिए, पर तुम मेरी सभी वीडियो उठा के देख लो, मैंने इनमें से किसी का भी मजाक नहीं बनाया है और मेरे सिर्फ 3,000 ही सब्सक्राइबर्स हैं, पर तुम इनको देख लो साला, इनका मुंह देख के ही उल्टी करने का मन करता है। लेकिन फिर भी कुछ हेटर्स ने इस पर सवाल उठाया कि ये गरीब लोगों का मजाक उड़ाता है और अपने पैसे का शो ऑफ करता है, तो उस पर एलविश यादव ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा, हमारे बाप दादा ने कमा रखा, हम बहुत ज्यादा प्राउड है। आपके नहीं कमा पाए तो भैया अपने पापा से पूछो ना, पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं, हम है एलवी सर के पापा तो कमा रहे हैं। भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे हमें बदनाम मत करो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे, उड़ा रहे हैं भैया, उड़ा रहे हैं, हमने तो पता ही भाई पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, मैं गरीब हूँ। हाँ जी, ये हैं 7.5 मिलियन वाले यूट्यूबर्स, साला ये सभी यूट्यूबर्स का नाम गंदा कर रहे हैं। नहीं यार, ये क्या होता है कि अपने बाप दादा से पूछना कि पैसा क्यों नहीं कमा पाए, अगर यही चीज किसी बॉलीवुड के एक्टर ने बोल दिया होता ना तो तुम लोग उसके गांड में घुस जाते, और मैं कंपेयर भी किसको किससे करता हूं। नहीं भाई, तुम लोग इसकी वीडियो को देखकर पक जाते होगे ना, साला सही मायनों में ये पायल जोन मेल है भाई। मुद्दे पे आने से पहले ये इतनी मात्रा में बातें चोर देते हैं कि जब ये मुद्दे पे आते हैं तब तक इनकी वीडियो 10 मिनट की बन जाती है। और हाँ, यहाँ पे जो ऑफेंड होने वाली जनता है तो सुनो मेरी बात, जहाँ पे तुमको ऑफेंड होना चाहिए वहाँ पे तुम झाट ऑफेंड नहीं होते हो, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे फट से हो जाते हो। तो मेरे भाई देखो और चीजों समझो, और किसी भी यूट्यूबर को अपना टट्टा ना बनाओ, मुझे भी नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ और मेरा काम है तुम लोगों को एंटरटेन करना, तुम्हारे सिर पे बैठ के हगना नहीं। तो सही गलत में फर्क समझो, बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय। विनोद, याद रख किसी भी मजदूर का कभी भी मजाक ना उड़ाना।